दोस्तों जब हम प्लान करते हैं एक 49 इंच की टीवी लेने के लिए तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं जो इस वेरिएंट में टीवी देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है कि भाई इसमें आप बजट ब्रांड्स की टीवी ले या फिर नॉन बजट ब्रांड की टीवी ले। तो आज के वीडियो में कन्फ्यूजन को पूरी की तरह से दूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों ही कैटेगरीज की टीवीज को रखने वाला हूँ और यहाँ पे बेस्ट 49 इंच टीवीज जो होने वाली है उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर पाओगे कौन सी टीवी आपके लिए बेहतर होगी। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टेंट आया। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट 49 इंच 50 इंच की टीवी की लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इस वीडियो में आप लोग वही टीवी की लिस्ट देखोगे जहाँ पर वो मार्केट में इस समय अवेलेबल है। ऑनलाइन तो 100% अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आपको कुछ टीवीज मिल जाएंगी, सारी टीवीज तो नहीं लेकिन कुछ कुछ टीवी आपको ऑफलाइन मार्केट में भी देखने मिल जाएंगी। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी टीवीज के मैंने बात की है उसकी जो बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। जहां पे भी आपको लगे वीडियो देखने के बाद कि हाँ आपको ये टीवी लेनी चाहिए तो वहां से आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो बस इसी का नाम लेते हुए जय श्री गणेश करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं आपकी बेस्ट 49 इंच 50 इंच की पहली टीवी जो हमारे पास है आपके लिए, तोशिबा की U50 टीवी। और ये 50 इंच का वेरिएंट है। और बात कर ले इसे कुछ हाइलाइट्स के बारे में, तो ये टीवी आती है विडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया, 30 वॉट का साउंड आउटपुट है, VA पैनल दिया गया है, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई, 60Hz का रिफ्रेश रेट है। इसी के साथ ही साथ आपको एलेक्सा इनबिल्ट देखने मिल जाएगा इस टीवी में, 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो दिया गया है, 1.5GB का रैम है और 4GB का इंटरनल स्टोरेज है। 4GB का इंटरनल स्टोरेज इस विडा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सही है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है तोशिबा का, जैसे सैमसंग का होता है टाइजन और LG का होता है वेब ओएस, तो यहाँ पे तोशिबा का ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे इसके कुछ खास फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका मेन हाईलाइट होगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही फास्ट बूटिंग सिस्टम है इस टीवी का। और यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक बजट टीवी है तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट निकल के आता है कि इसके लिमिटेड एप्स, लेकिन ये भी कहना है तोशिबा ब्रांड का कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ये भी जो माइनस पॉइंट निकल जाएगा एक अपडेट के थ्रू, काफी एप्स उस समय आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन एज इफ नाउ बहुत ही लिमिटेड एप्स दिए गए हैं। और एक और खास बात इस टीवी की होगी कि यहाँ पे आपको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देखने मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तोशिबा ब्रांड खुद कह रहा है कि 450 प्लस से भी ज्यादा सर्विस सेंटर है। और बात करें इस टीवी की प्राइसिंग के बारे में तो इस टीवी को आप ले पाएंगे 33,000 रुपीज में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दी है। बेस्ट 50 इंच की कैटेगरी में हमारे पास दूसरी टीवी है आपके लिए जिसका नाम है सैनियो कैजन की 2020 का मॉडल। और बात कर ली इसकी प्राइसिंग के बारे में तो ये टीवी आती है 33,000 रुपीज के आसपास और बहुत ही बढ़िया टीवी है। और इसे कुछ फीचर्स और हाइलाइट्स की बात करें तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 20W का साउंड आउटपुट दिया गया है, 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है, 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, HDR10 और HLG को सपोर्ट करती है। इसी के साथ ही साथ डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने मिल जाएगा और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये ब्रांड का नाम अगर आपने पहली बार सुना है तो ये नया ब्रांड नहीं है, पैनासोनिक ब्रांड का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये उसका सब ब्रांड है। सब ब्रांड को अगर आसान भाषा में समझाता है तो ये समझ लो कि ये उसका छोटा भाई है। तो यहां पे आपको जो सर्विस दी जाएगी वो पैनासोनिक की तरफ से ही दी जाएगी। तो यहां पे आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है बेस्ट 50 इंच की कैटेगरी में। बेस्ट 50 इंच की कैटेगरी में हमारे पास अगली टीवी है जिसका नाम है और बहुत टाइम से वो आउट ऑफ स्टॉक में भी थी, जिसका नाम है हाइसेंस की A71F का मॉडल। और ये टीवी की प्राइसिंग है 34,000 रुपीज के आसपास है और अमेजोन पे अवेलेबल है इस समय, कुछ समय तो आउट ऑफ स्टॉक थे कुछ समय पहले। और बात कर ली इससे कुछ फीचर्स और हाइलाइट्स के बारे में तो ये टीवी आती है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, 30W का साउंड आउटपुट है, 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज है, वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है इस टीवी में। इसी के साथ ही अल्ट्रा डिमिंग के फीचर के साथ आती है तो इस टीवी में आपको अच्छे ब्लैक्स और डीपर ब्लैक्स होते हैं इस टीवी में आपको देखने मिलेंगे। इसके साथ ही साथ बात कर ली इस टीवी के डिस्प्ले के बारे में तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ,
डायरेक्ट एलईडी बैकलाइटिंग सोर्स दी गई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पे आपको HDR10 और HLG का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा। और ये टीवी आती है जैसे मैंने बताया कि 34,000 रुपीज समथिंग में, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आती है और इस टीवी को आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अब तक हम लोग ने देखा बजट टीवीएस की कैटेगरीज को और अब यहाँ पे बजट बढ़ेगा और हम लोग जाएंगे आगे की तरफ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एलजी सोनी और सैमसंग की टीवीएस के बारे में। और यहाँ पे बेस्ट 49 इंच और 50 इंच की टीवी की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिस्ट में पहली टीवी है आपके लिए जिसका नाम है LG का UM7290। और सेम टाइम मैं एक और टीवी इसके साथ रखना चाहूँगा जिसका नाम है UM7300। दोनों ही टीवी 2019 का मॉडल है। UM7300 में आपको 49 इंच का मॉडल देखने मिल जाएगा और UM7290 में आपको 50 इंच का मॉडल देखने मिल जाएगा। दोनों ही टीवी में और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक मेजर फर्क है इस टीवी में जो कहना चाहूँगा कि भाई मैजिक रिमोट का। UM7290 में आपको मैजिक रिमोट नहीं मिलता, आपको सेपरेटली परचेस करना होगा और 7300 में बाय डिफॉल्ट मिलता है। और दोनों की जो टीवी की प्राइसिंग है आप वो स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये टीवी की बस इतना ही फर्क है दोनों ही टीवी में और बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे बात करें इससे कुछ हाइलाइट्स के बारे में, तो ये टीवी आती है IPS पैनल के साथ, बहुत ही बढ़िया व्यू एंगल्स देखने मिल जाएंंगे। 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। WebOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये LG का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी के साथ ही साथ आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। Alexa बिल्ट इन दिया गया है। Apple AirPlay 2 और Apple होम किट का सपोर्ट दिया गया है। मैजिक रिमोट मिलता है UM7300 में, जैसा मैंने बताया कि UM7290 में आपको परचेस करना होगा जिसकी कॉस्ट है 3000 समथिंग। और इसी के साथ ही साथ यहां पे बात करें एक्टिव HDR आपको देखने मिल जाएगा। 4K अपस्केलर की टेक्नोलॉजी दी गई है जिसमें जो HD कंटेंट आपको 4K में अपस्केल करके बहुत ही बढ़िया तरह से दिखाया जाएगा। और बात करें यहां पे साउंड आउटपुट के बारे में, तो ये टीवी में आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। DTS वर्चुअल एक्स का सपोर्ट दिया गया है। इसी के साथ ही साथ इंटरनल स्टोरेज और रैम की बात करें तो 1.5GB का रैम और 4GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। WebOS ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कम है क्योंकि यहां पे जो एप्स होते काफी ऑप्टिमाइज होते, तो ज्यादा इसको स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ ही साथ बात करें कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में, तो ये टीवी में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने मिल जाएगा। LG का होम डैशबोर्ड मिलता है इस टीवी में जिसके थ्रू आप जो भी स्मार्ट डिवाइसेस आपके घर पे कनेक्टेड है वो आप एक ही स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो। और यहां पे आपको एक बहुत ही बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस देखने मिल जाएगी क्योंकि ये एक प्रीमियम ब्रांड है और आपको अच्छी सेल सर्विस तो हमेशा ही देते आ रहे हैं। तो ये टीवी आप कंसीडर कर सकते हो बेस्ट 49 इंच और 50 इंच के कैटेगरी में। और बेस्ट 50 इंच की कैटेगरी में नेक्स्ट टीवी है हमारे पास आपके लिए जिसका नाम है LG का UN7300। ये 2020 का मॉडल है। और यहाँ पे अगर इस टीवी को मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आपको जो UM7300 में मिल रहा था वो सब कुछ आपको इस टीवी में मिलेगा। नया क्या मिल रहा है आपको इस टीवी में, जो इस साल की टीवी में ऐड किया है, यहाँ पे आपको फिल्म मेकर मोड मिल जाता है। फिल्म मेकर मोड को समझने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, ऊपर लिंक कर दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे HGIG का सपोर्ट दिया गया है और जो आपको गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है, ग्राफिक्स वगैरह जो दिखेंगे बहुत ही तगड़े देखने मिलने वाले। सेकेंडली यहाँ पे आपको AMM का सपोर्ट दिया गया है जो ऑटो लो लेटेंसी मोड है, बहुत ही कम है, इनपुट लैग बहुत ही कम देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है और भी बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे LG ने पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया बनाने के लिए ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे एक डायनेमिक कलर जैसी टेक्नोलॉजी ऐड की जिससे जो कलर्स है बहुत ही वाइब्रेंट और नेचुरल देखने मिलेंगे। पिक्चर क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है इस साल की टीवी में। और इसी के साथ ही साथ आपको नॉइस रिडक्शन का फीचर भी देखने मिल जाएगा। ट्रू कलर एक्यूरेसी तो आपको पिछले साल की टीवी में मिल रहा था, तो यहाँ पे उसको मैं ऐड नहीं करना चाहूंगा, ये तो आपको इस साल की टीवी में भी मिल जाएगा। 20 वॉट का साउंड आउटपुट पिछले साल की टीवी में था, इस साल की टीवी में आपको उतना ही मिल जाएगा। तो ये सारी फीचर्स के साथ आने वाली टीवी है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। तो यहां पे आपको इस टीवी को आप एज अ गेमिंग टीवी भी कंसीडर कर सकते हो। और बात करें इस टीवी की प्राइसिंग के बारे में, तो ये टीवी को आप ले पाओगे 59,000 रुपीस पे और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक हमेशा की तरह दे दी है। और बेस्ट 49 इंच की कैटेगरी में हमारे पास नेक्स्ट टीवी है जो हमने आपके लिए फाइंड आउट की है जिसका नाम है सोनी का X7500H। और बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये टीवी आप ले पाएंगे अमेजोन से 64,000 रुपीज समथिंग में। और इसे कुछ फीचर्स और हाइलाइट्स के बारे में बात करें, तो ये टीवी आती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, 16GB का इंटरनल स्टोरेज है। जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर मेजर वाले आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। डेडिकेटेड कीज भी दिए गए रिमोट में। और ये टीवी आती है IPS पैनल के साथ,
एज एलईडी बैकलाइटिंग दी गई है, फ्रेम डिमिंग का सपोर्ट है और इसी के साथ ही एसडीआर 10 और एचएलजी को सपोर्ट करती है ये टीवी। बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट के बारे में तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया इस टीवी में। और बात करें साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में तो यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा, वॉइस एनेबल रिमोट तो मिलता ही है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया और एलेक्सा का भी सपोर्ट आपको इनबिल्ट इस टीवी में देखने मिल जाएगा। यहाँ पे खास बात होगी यहाँ पे सोनी की टीवी में जहाँ पे आपको X1 HDR का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा एज अ पिक्चर इंजन और क्लैरिटी इनहांसर के लिए यूज कर रहा है X Reality Pro, मोशन फ्लो XR200 का भी सपोर्ट दिया गया है जिससे जो भी स्क्रीन में अगर एक्शन सीन देख रहे हो तो उस समय ब्लर नहीं होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आने वाली ये टीवी है और यहाँ पे आपको ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले मिलता है जो कलर्स बहुत ही नेचुरल और रिच प्रोड्यूस करता है। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में ये टीवी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाली है और इस टीवी को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप इसको कंसिडर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दी है। और बेस्ट 49 इंच की कैटेगरी में जो हमने नेक्स्ट टीवी फाइंड आउट की है आपके लिए और वो LG का 2020 का मॉडल है जिसका नाम है नैनो 80 और ये टीवी की पिक्चर क्वालिटी वगैरह तो बहुत ही बढ़िया लगी, मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस भी किया। और यहाँ पे इस टीवी की प्राइसिंग की बात करें तो ये टीवी आप परचेस कर पाओगे 69,000 रुपीज की, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी। और यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो ये टीवी आती है नैनोसेल टेक्नोलॉजी के साथ, ये टीवी आती है नैनोसेल डिस्प्ले के साथ और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है, जो कलर्स होंगे बहुत ही नेचुरल और रिच देखने मिलने वाले। इसी के साथ ही यहाँ पे नैनोसेल टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग टर्म जुड़े हुए जैसे नैनो कलर, नैनो एक्यूरेसी, नैनो बीजल और इस टीवी में 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और डार्क सीन्स का और भी मजा अच्छी तरह से आप ले सको, इसलिए यहाँ पे इस टीवी में लोकल डिमिंग का भी फीचर दिया गया है, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया है जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, एप्पल एयरप्ले 2, होम किट सभी का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिल्म मेकर मोड दिए गए हैं, एसडीआर 10 एचएलजी प्रो का भी सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पे गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका और बढ़िया हो जाए इसलिए यहाँ पे आपको HDIG प्रोफाइल भी मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनपुट लैग है यहाँ पे बहुत ही कम है तो एक्सपीरियंस आपका गेमिंग के मामले में इस टीवी में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है और यहाँ पे जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर है जैसे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube सब कुछ परफेक्टली चलने वाले और इसमें टीवी प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैजिक रिमोट मिल जाता है विथ हॉटकीस। और बात करें साउंड आउटपुट के बारे में तो यहाँ पे 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया, साथ ही साथ यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको LG का होम डैशबोर्ड मिल जाएगा जिससे जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस आपके घर में लगाए गए एक ही स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टीवी है बेस्ट 49 इंच की टीवी की कैटेगरी में जिसका नाम है सैमसंग का Q60R QLED मॉडल और यहाँ पे इसका डिस्प्ले और टेक्नोलॉजी तो बहुत ही बढ़िया है, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली टीवी है और इसकी प्राइसिंग भी 69,000 रुपीज ही है। और बात कर ले इसे कुछ हाईलाइट्स और फीचर्स के बारे में, इस टीवी में क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और यहाँ पे अल्ट्रा स्लिम एरे बैकलाइटिंग दी गई है इस टीवी में। और यहाँ पे बात कर ले इसके अपस्केलिंग के बारे में तो यहाँ पे 4K AI अपस्केलिंग की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और यहाँ पे बात करें टीवी के पिक्चर इंजन के बारे में तो यहाँ पे क्वांटम प्रोसेसर 4K का प्रोसेसर यूज किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है PQI का जिसको बोलते हैं पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, तो यहाँ पे 2400 का PQI दिया गया है, मतलब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की कितनी ज्यादा ही अच्छी होने वाली है। इसी के साथ ही बात करें यहाँ पे ऑडियो आउटपुट के बारे में तो 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है, डॉल्बी डिजिटल प्लस की टेक्नोलॉजी दी गई है। इसी के साथ ही मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया है जहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, एलेक्सा मिल जाता है, बिग्सपी का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये सारे फीचर्स के साथ आने वाली ये टीवी है। यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये टीवी आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इनपुट लैग बहुत ही कम है और गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त होगा आपका इस टीवी में। और बात करें टीवी के स्मार्ट फीचर्स के बारे में तो ये टीवी आती है इंटेलिजेंट मोड, एम्बिएंट मोड, गेमिंग मोड, इसी के साथ ही साथ वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है। और इसकी मेन चीज जो लुक्स है इस टीवी की बहुत ही जबरदस्त है, बेजललेस डिजाइन के साथ आने वाली टीवी है, मेटल का फ्रेम, मेटल की बॉडी आपको देखने मिल जाएगी इस टीवी में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे कि LG नैनो 80 ले या फिर सैमसंग का Q60R ले, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही टीवी को एक्सपीरियंस किया और मुझे LG का नैनो 80 ज़्यादा अच्छा लगा पिक्चर क्वालिटी के मामले में। इसी के साथ ही वहाँ पे फिल्म मेकर मोड दिया गया है, HDIG का भी सपोर्ट दिया गया, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिल जाता है। तो ये फैक्टर को मैं कंसीडर करने के बाद मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा LG का नैनो 80। और यहाँ पे बाकी आपका क्या मानना है इन सभी लिस्ट के बारे में, आप कौन सी टीवी ले रहे हो ये फेस्टिव सीजन में, सवाल सुझाव राय हो तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ ही साथ Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है तो यहाँ पे अगर आप कोई भी टीवी ऑनलाइन परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको HDFC का 10% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है और यहाँ पे जो भी टीवी की जो प्राइसिंग है इस समय थोड़ी सी कम है क्योंकि सेल चल रहा है, तो ये
सेल का पूरा फायदा उठाइए और दिस इज द राइट टाइम टू बाय एनी टीवी। तो मिस मत कीजिए डील्स को और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ आपके लिए कुछ खास डील्स डाल दीजिए। इसी के साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। और सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।